बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सतना से अरे जहां पर बेरोजगारी से परेशान होकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। मनखरी गांव में रोजगार की मांग को लेकर यह युवक टावर पर चढ़ा है। मोबाइल टावर पर सुबह से ही युवक बैठ गया है और इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए इन तस्वीरों में कितनी ऊंचाई पर यह युवक बैठ गया है और उसकी नाराजगी ये है कि इसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए ये दर दर भटक रहा था, जिसके बाद अब इसने टावर पर चढ़कर अपनी मांग रखी है। समझाने के बाद भी ये युवक अभी तक नहीं उतरा है। इसको समझाने की लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी से त्रस्त आ गया। और नरेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बेरोजगारी से परेशान होकर युवक टावर पर चढ़ा, अभी वो नीचे उतरा है या अभी मनाने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है और पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और जो स्थानीय प्रशासन पहुंची थी वो उसको जो है कुशल उसको टावर से उतार लिया गया है। ये सुबह 7 बजे से टावर में चढ़ा हुआ था। ये बेरोजगार है और ये जो है रोजगार की मांग को लेकर कई बार रामपुर में इस तरह का प्रदर्शन किया है रोजगार के लिए, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जिसके चलते ये मनकहरी में बीएसएनएल के टावर पे चढ़ गया जी। अच्छा नरेंद्र, थोड़ा युवक के बारे में जानना चाहेंगे कि होता है भाई आजकल रोजगार युवक घूम रहे हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, कितना पढ़ा लिखा युवक है और कहां कहां इसने आवेदन किया, नौकरी नहीं मिली और जिसके वजह से आज इसको ये कदम उठाना पड़ा? जी, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में अभी इसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली जा रही है। जो पुलिस है इसको लेके थाने चली गई है तो ज्यादा जानकारी इसकी नहीं लग पाई है, पर जो गांव वाले हैं इसके ये बता रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा है। हाँ। और ये जो एक वहाँ पे स्थानीय सीमेंट फैक्ट्री है, कई बार वहाँ पे आवेदन दिया, SDM के यहाँ दिया और कई फैक्ट्रियों में इसने अपना रिज्यूम दिया, पर आज तक इसको कोई नौकरी नहीं लग पाई, जिसके कारण ये जो है आज जो टावर पे चढ़ गया। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये एक सच्चाई है, सरकार लाख दावा करे कि हम नौकरियां दे रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक मजबूर बेरोजगार युवक टावर पर चढ़कर अपनी मांग कर रहा है कि भाई उसको नौकरी दी जाए, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और यही है, हजारों लाखों की तादाद में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकारें हैं सिर्फ रोजगार का दावा करती हैं।